वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं टेकी प्रवीण। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पोस्टमैन बिगनर सीरीज में। आज हम देखेंगे किस तरीके से कलेक्शन क्रिएट करते हैं पोस्टमैन में, और हम एक लाइव या किसी भी वेबसाइट की एपीआई को कैप्चर करेंगे पोस्टमैन में और उसमें चेंज करके देखेंगे किस तरीके से कलेक्शन को रन कराते हैं और उसके रिपोर्ट्स किस तरह से आती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपना एक नया वर्क स्पेस। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पे आपको दो चीज़ें आती हैं, पर्सनल और टीम। तो आप टीम में बना सकते हैं या फिर पर्सनल, कोई उसका खास इशू नहीं है, बस एक शेयरिंग का है। बाद में आपको यही ऑप्शन मिलते हैं। तो क्रिएट न्यू आप करते हैं, आप क्रिएट न्यू करेंगे, इस पर आप नाम देंगे। ठीक है, मैं डेमो दे रहा हूँ। अब यहाँ पर भी आपको टीम और पर्सनल का आता है। तो आप, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने यहाँ पर चूज़ किया था पर्सनल, लेकिन यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है टीम। तो आप चाहे तो पर्सनल या टीम रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको किसी को ऐडअप कराना है तो आप यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी डाल सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी डाल दीजिए उसकी ईमेल आईडी, तो वो एक रिक्वेस्ट उसको सेंड हो जाती है उसको ऐड करने के लिए। ठीक, सो यहाँ से आप क्रिएट वर्क स्पेस कर देते हैं। मैं यहाँ पर मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्टली एक वर्क स्पेस पे आ चुके हैं अपने। सो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देखिए हमारे पास डेमो आ रहा है वर्क स्पेस, और प्रीवियस मेरे दो वर्क स्पेस थे वो भी आ रहे हैं। सो अगर मैं इसमें यहाँ पे तीन डॉट्स पे आता हूँ तो मेरे पास कुछ ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन है व्यू डिटेल्स, तो वर्क स्पेस की इन्फॉर्मेशन कि इसमें कितने मेंबर हैं, कब अपडेट हुआ था, वन मेंबर है, कब अपडेट हुआ, और जो बंदा है जिसका वर्क स्पेस है उसकी मेल आई डी जो भी होगी नीचे वो दिखा देगा कि उसकी मेल आई डी क्या है। उसके बाद आपके बाकी जो ऑप्शन है वो है रीनेम, रीनेम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं, किसी को दोबारा से आपको इनवाइट करना है जो आपने इनविटेशन स्टार्टिंग में की थी वो अभी भी आप इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन लिंक भी बना सकते हैं यहाँ पर कि कोई भी लिंक पे क्लिक करे वो डायरेक्टली उसे इन्वाइट हो जाए, तो वो सब हम बाद में देखेंगे अभी। ठीक है, आप बेसिकली अगर आपको इन्वाइट करना है तो आप यहाँ पर वही ये आप डालेंगे मेल आईडी और यहाँ से उसको ऐड करके आप इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, और ये लिंक भी है आपका। ठीक है, सो मैं अब आता हूँ आपका यहाँ से। लीव आप कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। अब हमारे ये बन चुका है एक हमारा वर्क स्पेस। अब इस पर हम बनाएंगे कलेक्शन। तो कलेक्शन बनाने के लिए हम यहाँ से भी बना सकते हैं, सेम चीज़ आएगा कलेक्शन, और हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं, क्रिएट कर न्यू कलेक्शन। ठीक है, सो यहाँ से हम बनाएंगे कलेक्शन। तो हम कलेक्शन का नाम भी देते हैं टेस्ट। तो मैंने एक कलेक्शन बनाया टेस्ट नाम का। जैसे ही आप ओके करते हो यहाँ पे आपके ऑप्शन खुल जाएंगे। ये ऑप्शन एग्जैक्टली इस आइकन पे प्ले का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ से मिलेगा। इस पर शेयर कर सकते हैं आप, क्लिक करेंगे शेयर का ऑप्शन मिलेगा, जो आपको किसी भी वर्क स्पेस पर अपने शेयर करना हो वो आप उस पर चूज़ कर लेंगे, वो उस वर्क स्पेस पर उसे शेयर कर देगा। रन करते हैं तो आपका एक कलेक्शन रनर विंडो ओपन होता है जिसमें आपके जितने भी कलेक्शन हैं वो आपके रन होंगे। जैसे कि इसके अंदर आपका कलेक्शन था टेस्ट नाम का कलेक्शन बनाया था। अगर आप कोई और भी कलेक्शन आप रखते हैं तो यहाँ से आप उस कलेक्शन को सर्च आउट कर सकते हैं। रन टेस्ट करेंगे आप तो एग्जैक्टली आपके पास जो जो उसका रिजल्ट होगा कलेक्शन का वो दिखाई पड़ जाएगा कि कितने पास हुए हैं, कितने फेल हुए हैं, रन समरी दिखाई पड़ेगी। तो अब हम यहाँ से व्यू इन वेब देखते हैं, व्यू इन वेब क्या है। जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपका ये वेब व्यू ओपन होता है। सो आपका वेब व्यू ओपन हो रहा है। एक सेकेंड, ठीक है, वो ठीक से क्लिक नहीं होता उसके ऊपर। तो यहाँ से देखिए पोस्टमैन का डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। ये देखिए आपने जो भी टेस्ट था, हमारा जो कलेक्शन था, उसके अकॉर्डिंग इसने सारा ही चीज़ें पब्लिश कर दी है वेब पोस्ट के रूप में। सो यहाँ से हम अब बनाएंगे कलेक्शन। इसके अंदर सेम चीज़ें हैं, आपको एड करना हो, एड रिक्वेस्ट करना हो, वो यहाँ से भी आप दे सकते हैं या फिर आप इस ही डॉट से भी दे सकते हैं। तो इसके अंदर हम बनाएंगे फोल्डर। फोल्डर बनाने से पहले क्या होता है, जैसे आपने बहुत सी कॉल्स आप ऐड करोगे इसमें, गेट कॉल ऐड करेंगे आप, पोस्ट कॉल ऐड करेंगे आप इसके अंदर। सो अगर वो सिस्टमेटिक ढंग से एक फोल्डर के अंदर रखा हुआ है रखा हुआ है तो वो काफ़ी देखने में सही लगता है और इस सही तरीके से वो बिल्डअप है, मतलब आपका प्रोजेक्ट सही तरीके से बना हुआ है कि आप भी उसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और कोई और भी उसे देखेगा तो उसे भी काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से दिखाई पड़ेगा, चीज़ें काफ़ी ईजी वे में आपको दिखाई पड़ेंगी, तो वो सही रहेगा आपका। तो मैंने यहाँ पे तीन फोल्डर इसके अंदर बना दिए हैं। ठीक है, गेट
पुट और पोस्ट नाम का। अब इसके अंदर अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी इसके अंदर कोई रिक्वेस्ट नहीं पड़ी है, ठीक है। तो अभी हम आपको रिक्वेस्ट देखेंगे, हम किसी भी लाइव वेबसाइट पर एक रिक्वेस्ट ऐड करके देखते हैं। तो यहाँ से भी आप ऐड रिक्वेस्ट कर सकते हो और यहाँ पर भी जाके आप रिक्वेस्ट को ऐड कर सकते हो। तो आपने मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट का मैं कर देता हूँ टेस्ट 1, और यहाँ पर कलेक्शन के लिए वह ऑप्शन आ रहा है। तो मैं कलेक्शन ऑलरेडी मैंने इसके अंदर से लिया था, इसलिए वो गेट का ले रहा है, ठीक। अगर मैं यहाँ से करता हूँ रिक्वेस्ट टेस्ट 1, तो देखिए आपको देना पड़ेगा फोल्डर फिर से, आप गेट कर दो इस पर, ठीक। आपने गेट किया और वो सेव हो गया किसके अंदर, गेट के अंदर। अब मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट पर एक API कॉल मैं चेक करता हूँ, तो किसी वेबसाइट पे देख लेते हैं। मैं फ्लिपकार्ट पे कर रहा था, काफ़ी फेमस ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट है ये। तो इस पर हम राइट क्लिक करेंगे कहीं पर भी, तो उस पर हमको मिलेगा ऑप्शन इंस्पेक्ट एलिमेंट का। इंस्पेक्ट करते हैं आप तो आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। ये एग्जैक्टली डेवलपर ऑप्शन है, इसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो सेलेनियम ऑटोमेशन में भी इसे यूज़ करते हैं, इन किसी भी एलिमेंट को आप एडअप करने के। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट आपको वीडियो बना दूंगा। तो पोस्टमैन में इसका यूज़ जो होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप इसमें जाएंगे नेटवर्क में, ठीक है, और ये एग्जैक्टली आपको यहाँ पे शो नहीं कर रहा होगा। तो इसका यहाँ पर ये आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर, तो ये आपको इसकी अलग अलग पोजिशंस आपको मिल जाएंगी। तो जिसमें आपको ज़्यादा से लगता है कि आपको इसको लेफ़्ट हैंड साइड में दिखाना है, आपका वेब पेज इस तरफ है, इसके एलिमेंट्स इस तरफ आ रहे हैं, तो यहाँ से आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा नीचे अच्छा लगता है, तो मैं नीचे इसको कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम आएंगे नेटवर्क पर, ठीक है, यहाँ पे इस पर आएंगे हम नेटवर्क पे, ऑल कर देंगे, तो इसकी जितनी भी कॉल्स इस पर जा रही होगी वो सभी कॉल्स इसमें कैप्चर हो रही है, ठीक। अगर नहीं आ रही तो रिफ्रेश कर दीजिए, क्योंकि डिले कभी कभी हो जाता है। तो ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी ही इसकी API कॉल्स हैं, और ये क्या है, इसका स्टेटस है, ठीक है। टाइप भी है, जावा स्क्रिप्ट है कि जिफ है या फेच है। तो इस तरीके से आप इसकी ऊपर आप फाइल्स दे सकते हैं। जब इस पर किसी पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा इसका जो URL है वो क्या है, इसका मेथड क्या है, इसका रिस्पॉन्स कोड क्या आया है, रिमोट एड्रेस के सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसका रिस्पॉन्स हेडर भी आपको यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। तो और इसमें कितना टाइम लग रहा है, कितना सेकंड्स के लिए था, वो सब चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अब इसको अगर मुझे कॉपी करना है तो इसका बेस्ट मेथड है कि आप इस कॉल पे आएंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, आप राइट क्लिक करें, आपको मिलेगा कॉपी का ऑप्शन। उसके बाद कॉपी कर्ल एज, कॉपी एज कर्ल करेंगे, CURL कॉपी हो गया। अब इस पर आप जाएंगे और मैं इस पर चलिए मैं एक और दिखा देता हूँ आपको पेस्ट करके, ठीक। तो मैंने इसको पेस्ट कर दिया, अब मैं इसको यहाँ सेव कर देता हूँ फ्लिपकार्ट के नाम से। ठीक, अब इसको यहाँ पे मैं सेंड करूँगा। देखिए इसका रिस्पांस कोड आना चाहिए, 200 आ रहा है, 156 मिली सेकेंड्स लग रहे हैं, 2.86 KB इसकी साइज़ है। इसके जितने भी पैरामीटर्स हैं बॉडी में, जो भी चीज़ें के साथ हैं, वो सब चीज़ें इसमें आपको दिखाई पड़ेंगी यहाँ पर। अब इसको देखिए, मैं किसी फोल्डर में रख सकता हूँ कि उठा के मैंने ड्रैग कर दिया, ये वहाँ चला जाएगा। ठीक है, पुट में चला गया ये। तो जिस तरह से आप चाहें, यहाँ पे गेट वाले में मैंने कॉपी नहीं किया था, मैंने आपको अलग से दिखा दिया था इंपोर्ट करके। तो आप इस यहाँ भी इसे कर सकते हैं, वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका इसके अंदर देखिए रिस्पॉन्सेस क्या आ गए, ये आ गया फ्लिपकार्ट, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखिए सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें यहाँ पर मिल रही है, इसकी ऑथराइजेशन, इसके हेडर में क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी वैल्यूज़ इसमें हैं। एक और कर लेते हैं ताकि उसमें थोड़ी सी वैल्यूज़ आप ले जाएंगे, इसमें वैल्यूज़ है नहीं। सो मैं और जाता हूँ, कोई और कॉल ले लेता हूँ, इसमें मैं एक कोई भी चीज़ ओपन कर लेते हैं, इसमें बेस्ट ऑप्शन रहेगा, कोई से कॉल्स बढ़ जाएंगी उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ और मुझे कुछ कॉल्स मिलनी चाहिए ऐसे ही। तो लेट्स से कि एक
गेट मेथड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। सो सेम चीज़ कॉपी किया, कॉपी एस कर्ल किया, पोस्टमैन में गए और मैंने फिर से एक नया इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा सही दिख रहा है, इसमें हमारे पास, मैं इसको सेव कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में वो देखना भी हो। सो मैं कर लेता हूँ फ्लिप, फ्लिप के नाम से, ठीक है। आप कोई भी मीनिंगफुल नेम दे सकते हैं उसमें, सी टू टेस्ट, ठीक है। अब इसको मुझे डालना है किसके अंदर, तो मैं गेट के अंदर डाल देता हूँ। तो मेरे पास इसके अंदर एक दो आ गए, इसके अंदर एक आ गया और इसके अंदर कोई भी नहीं है, तो मैं एक नॉर्मल टेस्ट को उठा के इसके अंदर डाल देता हूँ। टेस्ट अभी खाली है, इसके अंदर कोई रिस्पॉन्स है नहीं, उसके अंदर मैं कुछ ज़्यादा नहीं था, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो मेरे पास एक में ये है ऑप्शन फ्लिपकार्ट, एक में टेस्ट है, ये ऐसे ही ओपनिंग में आता है। तो ये एग्जैक्टली फ्लिपकार्ट और फ्लिप, तो फ्लिप में हमारे पास ये पैरामीटर्स आ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये सब जो पैरामीटर्स हैं ये डिपेंड करती हैं कि आपकी जो कॉल है उसमें कितना कुछ है। सो अगर मैं को सेंड करता हूँ तो मुझे रिस्पॉन्स कोड 200 आ रहा है। तो यहाँ से आप इसमें चेंजेस करके भी दे सकते हैं कि वैलिडेशन किसका है किसका नहीं है, किसमें आप कोई चीज़ डाल देते हैं तो उसके बाद रिस्पॉन्स क्या आ जाता है। तो जिस पे वैलिडेशन लगा होगा उसके अकॉर्डिंग ही इसके रिस्पॉन्सेज आएंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बैकएंड से डिपेंड होती हैं। तो जिस पे वैलिडेशन लगा होगा उसी पे ये चीज़ें मैटर करेंगी। अगर आपका जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड की आप कोई आप एपीआई कॉल को कैप्चर करते हो और वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करते हो, तो यहाँ पे जो 200 ओके आ रहा है ये अभी एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि उस पर सर्वर साइड वैलिडेशन लगा होगा। तो इसमें अब इसको मैं रन कराता हूँ, तो मैं इसमें रन करा कर देते हैं हम। तो मैंने रन पे कराया, देखिए पास हो गया, कोई भी इसमें इशू नहीं आया। मैं रन टेस्ट करा रहा हूँ तो देखिए आपका दिखा रहा है फ्लिप वाले का 200 ओके, इतने सेकंड लगे, 42 बाइट्स का इसकी साइज़ थी, 200 ओके इसमें रिस्पॉन्स। इस तरीके से आप सारा चीज़ें अपना रन करा के आप दे सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कोई भी इसमें डाउट होता है आपको तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।